इंदौर नगर निगम द्वारा गत दिनों शहर के बुजुर्गों के अपमान को लेकर विभिन्न पार्टियों द्वारा निगम का विरोध किया जा रहा है। सपाक्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर जोगेंद्र सिंह ने बताया कि स्वच्छ शहर इंदौर के नगर निगम स्वच्छता के नाम पर बुजुर्गों का अपमान कर रही है और इन्हें गंदगी कह रही है। वह निगम के इस कृत्य पर विरोध जताते हैं और मांग करते हैं कि प्रदेश सरकार से कि दोषियों को सजा दी जाए और इस घटना की बारीकी से जांच कराई जाए। वहीं सपाक्स नेता ने यह भी कहा कि समय आने पर मानवाधिकार आयोग को उनके द्वारा शिकायत की जाएगी। वहीं सपाक्स की महिला नेत्री ने भी निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है और कहा कि इंदौर शहर की जड़ों में देवी अहिल्या माता का त्याग और तप बसा है। शहर में बुजुर्गों का अपमान सहा नहीं जाएगा। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मैं पूरे देश से अपील करता हूं और मध्य शासन से अपील करता हूं, भारत सरकार के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि यह बुजुर्गों का जो अपमान है, बुजुर्गों की हत्या का जो प्रयास है, ये किन कारणों से हो रहा है, ये किसके पीछे क्या कारण है, ये निश्चित रूप से हमें लगता है कि इस देश में और मध्य प्रदेश में और खास करके इंदौर से बुजुर्गों की हत्याओं का यह एक समझा सूझा षड्यंत्र शुरुआत हो रही है कि लोग बुजुर्गों को अपने घर से निकालने का प्रयास करें और जो बुजुर्ग है उसको जिस भी तरह से रैन बसेरा में पड़ा हुआ है, ये अपना बजट खत्म करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इनकी मंशा क्या है, इस मंशा को उजागर करना होगा, शासन को उजागर करना होगा, प्रशासन को उजागर करना होगा। ये किन कारणों से, ये किसी एक कर्मचारी का काम नहीं हो सकता है, इसके पीछे बहुत बड़ा समूह है। देश और प्रदेश की दोनों जवाबदार व्यक्तियों को, प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को, इसके संदर्भ में जवाब देना होगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए सपाक्स पार्टी प्रतिबद्ध हो रही है। अगर ये नहीं किया गया तो घर घर जाकर के आंदोलन होगा, हर शहर में हर गांव में इसको लेकर के सपाक्स पार्टी आंदोलन करेगी। जय हिंद, जय सपाक्स, जय जय सपाक्स। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।